प्रति एकड़ की दर से परवल के 4000 पौधे लगाना उपयुक्त होता है, जिससे सिंचाई के लिए टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग ज्यादा फायदेमंद है। जाड़े के मौसम में सिर्फ नमी बनाए रखें, जबकि गर्मी में पारंपरिक सिंचाई हो या टपक सिंचाई, दोनों विधि में पानी की मात्रा बढ़ा दें। अगले 4 साल से जाड़े के मौसम में लत्तर काट दें और खाद पानी गर्मी के मौसम में दें। किसान भाइयों, प्रथम साल जब आप जैसे अक्टूबर या नवंबर के महीने में लगाएंगे, तो जाड़े के दिनों में जो है जहां पर भी हम पौधा लगाए हैं, जैसे बात करते हैं कि अगर एक एकड़ में हम पौधा लगाते हैं तो 4000 पौधा एक मीटर लाइन से लाइन की दूरी, एक मीटर पौधे से पौधे की दूरी अगर रखते हैं तो 4000 पौधा लगता है। 4000 पौधा में जहाँ पर आपका पौधा लगाए हैं वहीं पर सिंचाई करना है। अगर आपके खेत में टपक सिंचाई प्रणाली है तो आप टपक सिंचाई से कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नमी बना के रखना है जाड़े के दिनों में। जैसे ही गर्मी शुरू होगा तो उसके बाद जो है पानी की आवश्यकता बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय फूल आना प्रारंभ होता है, फल पकड़ना प्रारंभ हो जाता है। और रांची में जो है मार्च अप्रैल के महीने से जो है परवल का उत्पादन प्रारंभ होता है, तो उस समय गर्मी के दिनों में जो है आपको सप्ताह में अगर पारंपरिक ढंग से आप खेती कर रहे हैं तो 3 दिन पर आपको सिंचाई करना होगा, 3 से 4 दिनों में। अगर टपक सिंचाई से कर रहे हैं तो प्रतिदिन जो है 45 मिनट से 1 घंटा हमको टपक सिंचाई से करने से हो जाता है। दूसरे साल से परवल में जो है जाड़े के दिनों में पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक और बात है कि जाड़ा में जो है परवल का पौधा जो है सुषुप्ता अवस्था में रहता है, डोरमेंट रहता है, तो जाड़ा में इसका विकास नहीं होता है। तो प्रथम वर्ष आपको जाड़ा में सिंचाई करना है। दूसरे वर्ष से जो है जैसे ही कि जाड़ा प्रारंभ होगा, नवंबर के महीना आएगा, तो उस समय परवल के लट्टी को काट करके हटा देते हैं और पौधा जो है उसका जड़ जो है ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ रहता है। जब गर्मी प्रारंभ होता है तो उससे लट्टर फेंकना शुरू करता है और तब फिर जो है आप सिंचाई एवं खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। फसल की जैविक खेती करने के लिए जैविक खाद और जैविक दवाइयों का उपयोग करें। इसके अलावा कम जमीन पे परवल ज्यादा पौधे लगाना चाहते हैं तो कतार और पौधे की दूरी कम करके उसके लत्तर को मचान पर चढ़ा दें। इसकी कम जमीन पर ज्यादा उपज मिलेगी। तो जैसे कि अभी एक जैविक खेती का है कि जैविक खेती करना चाहिए, तो परवल में क्या है कि कीट एवं रोग का प्रकोप बहुत ही कम होता है और जैविक कीटनाशक जो है नीम आधारित जो भी कीटनाशक है उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसे परवल की जैविक खेती किया जा सकता है। और जो है रासायनिक खाद के जगह पर अगर हम गोबर खाद एवं केचुआ खाद का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे भी जो है परवल की खेती की जा सकती है। तो परवल में जो है आपको रसायन मुक्त परवल का भी खेती आप कर सकते हैं। और दूसरा है कि इसको जो है लत्तर जो है हम ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे भी हमारा कम जमीन में उत्पादन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अन्य राज्यों में जैसे कि बिहार जहाँ है वहाँ पर जो है ज़मीन में ही लत्तर को रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मा में खेती होता है, बरसात के दिनों में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है गर्मी और बरसात दोनों सीजन में जो है परवल की तुड़ाई होता है, तो यहाँ पर जो है लाइन की दूरी कम करके पौधों को ऊपर चढ़ाते हैं, 5 से 6 फीट ऊपर आप जो है मचान बना करके या ट्रेलिस सिस्टम से जो है आप चढ़ा सकते हैं, तो जिससे कम जमीन में आपको उत्पादन ज्यादा मिले। किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञ से मिली विस्तृत जानकारी आपकी उपज और आय को विस्तार दे सकती है। शर्त और सलाह ये है कि आप उस परामर्श का पालन करें।